हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर सरफेसेस ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल ऑप्शन ए विल रिमेन स्टैंडिंग ऑप्शन बी इज फ्लाई अप ऑप्शन सी इज सिंक इनटू अर्थ एंड ऑप्शन डी इज आइदर बी और सी ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो so, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है ठीक है दिस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या है ओके okay. देखिए इस क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर एक पर्सन क्या है वो अर्थ की सरफेस पर स्टैंड खड़ा हुआ है ठीक है ये पर्सन स्टैंडिंग नियर द अर्थ सरफेस और सडनली क्या होता है आपका जो फोर्स होता है अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट वो क्या हो जाता है सडनली क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है सो ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस 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 ऑफ द अर्थ अर्थ अगर कोई पर्सन जो की की पर है उस पर क्या होगा उस उस पर क्या उस क्या चीज का इफेक्ट पड़ेगा ठीक है तो देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन को हम ऐसा समझ सकते हैं मान लीजिए ये कि आपकी अर्थ की सर्फेस है ठीक है दिस इज द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड एनी पर्सन ठीक है कोई पर्सन आपका इस तरीके से यहाँ पर ऐसे खड़ा है ठीक है दिस इज एनी पर्सन ठीक है विच इज स्टैंडिंग हेयर ठीक है तो देखिए अगर कोई पर्सन यहां पर खड़ा है ठीक है तो उसमें क्या होता है उस पर देखिए कोई भी पर्सन है उस पर क्या लगता है ऑलवेज क्या लगता है एक फोर्स फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एक अर्थ के सेंटर से उस पर क्या लगता है एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर हम किसी भी चीज को हम देखे मान लीजिए ऊपर को जंप करते हैं इफ जंप अर्थ की सर्फेस के ऊपर जंप करते हैं तो क्या करते हैं हम डाउनवर्ड मोशन होता है हम क्या करते हैं हमारा मोशन क्या होता है डाउनवर्ड होता है अगर आपके आपके हाथ में कॉइन है अगर आप उस कॉइन को क्या करते हैं ड्रॉप करते हैं तो वो कॉइन क्या आती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ठीक है ये कॉइन है आपने कॉइन को मूव किया

वो जीरो हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल ठीक है अगर देखिए कोई पर्सन क्या है? देखे अगर अर्थ की सरफेस पर ठीक है अर्थ की सरफेस पर कॉन्स्टेंटली क्या है पर रुका हुआ है ठीक है वो स्टैंडिंग स्टिल है स्टिल पोजिशन है रुका हुआ है तो देखिए अगर वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाती है जीरो हो जाती है ठीक है यानी कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाता है अभी तक कौन सा फोर्स लग रहा था उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो इस कंडीशन में क्या हो गया आपका zero, नेट एक्सटर्नल फोर्स कमिंग आउट टू बी जीरो ठीक है नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया आपका जीरो हो गया ठीक है थीके? तो देखिए जो पर्सन आपका स्टैंड है अगर वो पर्सन वहां पर खड़ा है तो वो ऐसा कब ऐसा खड़ा ही रहेगा ठीक है खड़ा रहेगा बिकॉज दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती है आपकी लॉ ऑफ इनर्सिया कि कोई भी बॉडी होती है वो अपनी स्टेट को क्या करती है मेंटेन करती है एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू

उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है एक्सटर्नल फोर्स कितना जीरो है और पर्सन की आपका स्टैंडिंग स्टिल है मतलब खड़ा का खड़ा ही है ठीक है सो इट विल रिमेन्स स्टैंड ठीक है वो क्या करेगा आपका खड़ा ही रहेगा ठीक है थीके? उस पर देखिए कोई अदर टाइप का फोर्सेस नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है तो उसकी जो इनर्सा की प्रॉपर्टी है इनर्सा की प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि आप जैसी उसकी स्टेट है वो उसी स्टेट को क्या करेगा मेंटेन करेगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्सिया तो हम इसका यहाँ पर की लिख सकते हैं की का लिख सकते हैं ये इसका की इनर्सा लिख सकते हैं या फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो इस पर क्या है टोटल फोर्स कितना लग रहा है जीरो लग रहा है तो उसकी जैसी पोजीशन है ठीक है अगर वो खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा अगर वो मूव कर रहा है ठीक है तो वो मूव ही करता रहेगा ठीक है ये आपकी क्या हो जाती है कंडीशन हो जाती है ठीक है और अगर वो पर्सन ठीक है तो ये

जो आपका ऑप्शन ए आ रहा है वो क्या इसका राइट आंसर या फिर करेक्ट आंसर सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच